जब आप किसी के एक के नाम को हटा के दूसरे का नाम लगाते हैं ना, तो आप जो पिछले ने जो कार्य किए होते हैं, दूसरे का नाम नहीं लगाया अनिल जी, पीएम प्रधानमंत्री, पहले का हटाया ना, पहले देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम हटाया जा रहा है देश से। रूबिका जी, जली ना तेरी भी जली ना। नेहरू के नाम पर 90 योजनाएं, 70 सड़कें, 39 चिकित्सा संस्था, इंदिरा गांधी के नाम पर 132 योजनाएं। इतना दिया देश को, तो बापू ने कुछ नहीं दिया? दिया देश को ना, बापू ने कुछ नहीं दिया? बिल्कुल दिया। बापू ने क्या दिया? बिल्कुल दिया। क्या दिया बापू ने? क्या दिया बापू ने? ही तो नेहरू जैसा प्रोडक्ट दिया इस देश को। क्या बोला तूने? बापू ने ही तो नेहरू जैसा प्रोडक्ट दिया इस देश को। नेहरू जी के नाम पर, नेहरू जी बड़े के महात्मा गांधी बड़े, बताइए मुझे। ये फंस गया सी है, ये वो तो करेंगे, लेकिन क्या एक ही प्रधानमंत्री की होगी? वही तो सवाल मैं पूछ रही हूँ ना अनिल जी। आज अगर वहाँ पे सारे प्रधानमंत्रियों का जिक्र है, अरे भाई इनको कांग्रेस को क्या दिक्कत है? अनिल जी जवाब दीजिए। आज प्रधानमंत्री है वहाँ पे, इनके आज प्रधानमंत्री है, मुझे बताइए। इन्होंने नरसिम्हा राव को इज्जत दी, सिर्फ इंदिरा गांधी का म्यूजियम बनाया गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भारत से पंडित नेहरू का नाम हटाने की जो साजिश रची जा रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब तक ये देश रहेगा, पंडित नेहरू नाम नहीं, कौन इस देश का ओरा है, ओरा। अरे नेहरू जी के आगे तो हम अनिल जी नतमस्तक है, भाई कौन मना कर रहा है? 10 सेकंड तो बोलने दीजिए भाई। आप मुझे बताइए, क्या इस देश पे जमीन के टुकड़े कम पड़ गए हैं? अगर कोई पंडित नेहरू के नाम से जगह है और हम बाकियों को भी सम्मान देना चाहते हैं, तो क्या और सम्मान दिया आपने? क्या और नहीं बनाया जा सकता? मेरी बात सुनिए, जिनके प्रति आपने सम्मान दिखाया मुझे और जताया, मुझे ये बता दीजिए। क्योंकि ये चाहते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेहरू जी से अपनी बराबरी करना चाहते हैं, तो कहते करिए, कामों में करिए ना। और आप नेहरू जी का नाम मिटाना चाहते हैं, आपको नाम मिटाने के लिए इस देश से IIT मिटाना पड़ेगा, एम्स मिटाना पड़ेगा, इसरो मिटाना पड़ेगा। आज भी जब चंद्रयान मिशन लॉन्च होता है ना, तो लोग याद करते हैं कि नेहरू जी की दी हुई चीजें हैं। किस किस से नाम हटाइएगा? NIT से हटाएंगे, सेल से हटाएंगे, किस किस से हटाएंगे? हर संस्थान नेहरू जी का दिया हुआ है। और जहां तक बात यह है कि भाई पंडित नेहरू के नाम की जगह की भाई आप लोगों ने सम्मान नहीं किया, मेरे ख्याल से 30 सेकंड हो चुके हैं। अनिल जी, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सिर्फ नेहरू जी हैं इस देश में और कोई नहीं है? रानी लक्ष्मीबाई के लिए कितनी योजनाएं? मैं इसी पे जवाब देता हूं। भगत सिंह के लिए कितनी योजनाएं? बाकी सारे जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनके लिए कितनी योजनाएं? क्या सिर्फ इस देश में नेहरू और गांधी परिवार ही है जिन्होंने सब कुछ दिया है? उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। देखिए, बापू के नाम पर कितनी योजनाएं? पहले आप मुझे नाम बताइए। देखिए, बापू के नाम पर कितनी संस्थाएं और योजनाएं? अनिल जी देखिए, पंडित नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ नाम के मोहताज नहीं, और इस देश में नहीं दुनिया में इनका डंका बजता है। दुनिया में इनका डंका बजता है। नेहरू जी के नाम पर, नेहरू जी बड़े के महात्मा गांधी बड़े, बताइए मुझे। ये फंस गया सी है। देखिए, ये एक और छोटी मानसिकता है, ये छोटी मानसिकता नहीं है। हम अपने महापुरुषों को कंपैरिजन करेंगे ना, नेहरू जी बड़े के महात्मा गांधी बड़े? पंडित नेहरू आपके लिए मुश्किल होगा। महात्मा गांधी जी को पूजते थे, कहां मुश्किल हो गई? पंडित नेहरू महात्मा गांधी जी को पूजते थे, एक बार के लिए मेरे लिए भी मुश्किल होगा। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं। पंडित नेहरू पूजते थे महात्मा गांधी जी को, कहां कंपैरिजन? आप मेरी बात सुनिए, बापू के नाम पर 4 संस्थाएं और योजनाएं, नेहरू के नाम पर 90 योजनाएं, 70 सड़कें, 39 चिकित्सा संस्था, इंदिरा गांधी के नाम पर 132 योजनाएं। दिया देश को, बापू ने कुछ नहीं दिया? दिया देश को ना, बापू ने कुछ नहीं दिया? बिल्कुल दिया। बापू ने क्या दिया? बिल्कुल दिया। क्या दिया बापू ने? क्या दिया बापू ने? ही तो नेहरू जैसा प्रोडक्ट दिया इस देश को। क्या बोला तूने? बापू ने ही तो नेहरू जैसा प्रोडक्ट दिया इस देश को। रियली बापू ने ही नेहरू जैसे लोग दिए इस देश को। कपिल जी देखिए, सबसे पहले जो विरासत और महानता की बात करते हैं ना, तो एक दिन सब लोगों को बिठा दीजिए। एक साहब कह रहे थे कि स्वतंत्र कराया जिन्होंने देश को, मेरे कुछ सवाल हैं, मैं 4-5 सवाल बहुत जल्दी जल्दी आपसे पूछूं। भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र नहीं हुआ था, भारत को एक डोमिनियन बनाया गया था, भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन बनाए गए। भारत का पहला गवर्नर जनरल अंग्रेजों के उस आखिरी प्रतिनिधि माउंटबेटन को बनाया गया था, जिन लोगों ने 170 साल तक भारतीयों का शोषण किया था, लूटा था, उनके कत्ल किए थे, और उसने भारत का 15 अगस्त के दिन जो शपथ ली थी वो राजा के नाम पे शपथ ली थी। इंग्लैंड के राजा ने भारत का सिंहासन जो है 24 जून 1948 को छोड़ा है, लंदन गजट उठा करके देख लिए। आप मुझे उन प्रधानमंत्री की विरासत की बता रहे हैं जिन्होंने आजाद हिंद फौज को स्वतंत्रता सेनानी मांगने से मना कर दिया था,
1972 में जाकर के आजाद फौज को स्वतंत्रता सेनानी का स्टेटस मिला। देश के प्रधानमंत्री मुझे किसी ये बात ये विरासत की जो बात करते हैं नहीं, इस बात को लेकर तो कोई दो राय नहीं है ना। देश के प्रधानमंत्री थे, कुर्सी की रिस्पेक्ट इज अ मस्ट, वो तो करेंगे, लेकिन क्या एक ही प्रधानमंत्री की होगी? वही तो सवाल मैं पूछ रही हूँ ना। आज अगर वहाँ पे सारे प्रधानमंत्रियों का जिक्र है, अरे भाई इनको कांग्रेस को क्या दिक्कत है? अनिल जी जवाब दीजिए, आठ प्रधानमंत्री है वहाँ पे, इनके आठ प्रधानमंत्री है, मुझे बताइए, इन्होंने नरसिम्हा राव को इज्जत दी, सिर्फ इंदिरा गांधी का म्यूजियम बनाया गया, समझे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लाल बहादुर शास्त्री ने रखा है, छोटा कर दिया गया। आप बोलिए, आप बोलिए, मैं बता रहा हूँ ना। कपिल अब बोलना चाह रहे हैं ना, उनको बोल लेना, सिर्फ मैं दोनों को स्क्रीन पर रख देना। आज ये सवाल उठाया जा रहा है, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। इस मेमोरियल को बने हुए लगभग 60 साल हो गए, 60 साल के बाद कई विपक्षी नेता आए, कई प्रधानमंत्री आए, चरण सिंह जी आए, मोरारजी देसाई आए, चंद्रशेखर जी आए, अलग अलग प्रधानमंत्री आए, और तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, दो बार सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए अटल बिहारी, सुन लीजिए, नहीं नहीं सुन लीजिए, अपनी बारे में बताइएगा। अटल बिहारी वाजपेयी दो बार प्रधानमंत्री रहे देश के, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि भाई पंडित नेहरू का नाम हटा के किसी और का लगाया जाए, क्योंकि ऐसी छोटी मानसिकता नहीं थी। और मैं भाई, और जो मोदी जी, जो मोदी जी सुन लीजिए ना, जो मोदी जी छोटी मानसिकता, सरदार पटेल का नाम हटा के, जो मोदी जी सरदार पटेल का नाम हटा के अपने नाम से स्टेडियम बना ले, किसने बनाया है? आप मुझे बताइए छोटी मानसिकता कैसे हुई? क्या उन्होंने अपने नाम पर, जमीन अपने नाम पर मेमोरियल रखा क्या? मुझे ये बताइए, क्या उन्होंने अटल बिहारी के नाम पर रखा? अच्छा, मुझे एक मेरा एक छोटा सा सवाल है, के नाम पर रखा? क्या ये देश इतना कमजोर हो गया है? उन्होंने पीएम रखा है, पीएम तो देश का होना चाहिए ना, आपको क्यों चिढ़ मच रही है? हमें कोई चिढ़ नहीं मच रही है नेहरू जी, मेरा सवाल इतना, क्या भारत इतना कमजोर हो गया है कि एक जमीन का टुकड़ा हम अपने बाकी प्रधानमंत्रियों के लिए नहीं दे सकते? क्या हम एक जमीन का टुकड़ा अपने और प्रधानमंत्रियों के लिए? सर मुझे बताइए, चौधरी चरण सिंह पीएम है नहीं है? कह रहा हूं, मैं जवाब दूं, बताइए ना, मोरारजी देसाई पीएम है कि नहीं है? तो फिर उनके नाम पर कोई योजना क्यों याद नहीं आती आप लोगों को? अरे भाई मैं कह रहा हूँ, आप नया संग्रहालय बना लीजिए पूरा का पूरा, कहाँ मना कर रहे हैं? क्यों बनाए आप, क्यों बनाए आप लोगों ने, क्या किया किसी? देखिए वही जब आप किसी के एक के नाम को हटा के दूसरे का नाम लगाते हैं ना, तो आप जो पिछले ने जो कार्य किए दूसरे का नाम नहीं लगाया अनिल जी, पीएम प्रधानमंत्री पहले का हटाया ना, पहले देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम हटाया जा रहा है देश से। रूबिका जी जली ना, तेरी भी जली ना।